हांगकांग को जब से अपने नए कानून के तले दबाने की कोशिश की है, तब से ब्रिटेन चीन पर आग बबूला है और चीन को अपनी हद में रहने और हांगकांग पर लागू कानून को वापस लेने के लिए चेता रहा है। लेकिन चीन के कानों में तो मानो ब्रिटेन की कहीं कोई बात पहुंच ही नहीं रही, इसलिए ब्रिटेन ने चीन से अपने तरीके से निपटने की ठान ली है और इसके लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रॉयल नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ ब्रिटेन चीन के पास तैनात करने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन का यह एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और जापान के चीन के साथ जारी तनाव के बीच उनके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगा। दरअसल ब्रिटेन में अभी चीन ही ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सेना प्रमुखों के बीच में मंथन जारी है। ब्रिटेन के चीन के साथ संबंधों को नए तरीके से परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही ताइवान के साथ संबंध मजबूत करने और दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी संबंधों में घनिष्ठता लाने की कोशिश की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तभी तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ऐलान किया है कि वो स्थायी रूप से स्वेज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडोज को हमेशा के लिए तैनात कर रही है, जिन्हें संकट के समय कभी भी जंग पर भेजा जा सकेगा। ब्रिटेन की सेना का यह भी मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों के साथ नजदीकी संबंध रखकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके और स्वेज नहर के पास और ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसना मुमकिन है। इससे पहले चीन की हरकतों पर सख्त होते हुए ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो साल 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा लें। ब्रिटेन से पहले अमेरिका भी हुआवे के सभी उपकरणों को प्रतिबंधित कर चुका है। तो क्या ब्रिटेन के इतने सख्त रवैये से डरेगी चीन की कम्युनिस्ट सरकार या अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, भारत सब देशों के साथ में सामने आने पर भी चीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।